नौवा क्वेश्चन देखिए कि एक वर्गाकार कुंडली जिसकी प्रत्येक भुजा 10 सेमी है में 200 फेरे हैं और उनमें 12 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और इसके तल पर खींचा गया अभिलंब 0.80 टेस्ला के एक समान चुंबक के क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का एक कोण बनाता है। तो कुंडली पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण का परिमाण क्या होगा? देखिए डायग्राम से आप समझेंगे कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है उसको हमने यहाँ पर समांतर रेखाओं के द्वारा रिप्रेजेंट किया है और इसके अंदर हमने इस आयताकार कुंडली को रखा है और ये जो आयताकार कुंडली है इसके तल के ठीक लंबवत दिशा में हमने इसका अभिलंब सदिश, जिसे हम क्षेत्रफल सदिश भी कह सकते हैं, उसको खींचा है और इस अभिलंब सदिश और चुंबक के क्षेत्र B दोनों के बीच का जो एंगल है वो हमें थीटा दे रखा है। क्लियर? तो यहाँ से आप ध्यान दें, हमें जो वैल्यू दे रखी है उसको एक बार समझ लेते हैं कि जो वर्गाकार कुंडली है उसकी प्रत्येक भुजा की जो लंबाई है उसको हम स्मॉल ए से पुट कर दें जो कि 10 सेंटीमीटर हमें दे रखी है। इसे हम 0.1 मीटर भी पुट कर सकते हैं। इसमें फेरों की संख्या हमें 20 दे रखी है। प्रत्येक फेरे में से बहने वाली जो धारा है वो हमें 12 एम्पियर दे रखी है। कुंडली ऊर्ध्वाधर लटकी हुई है और अभिलंब के साथ में जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B, इसकी वैल्यू 0.80 टेस्ला है और ये इसके साथ में 30 डिग्री का कोण बना रखा है। टोक का मान हमें पूछा है। देखिए टो बराबर हम क्या जानते हैं, टो बराबर हम जानते हैं MB sin थीटा, MB sin थीटा, और इसे M की जगह हम NIAB लिख सकते हैं, NIA sin थीटा हो जाएगा। यहाँ से इस A को क्लियर कर लेते हैं, A यहाँ पर वर्गाकार कुंडली है और इसका जो क्षेत्रफल है वो भुजा स्क्वेयर हो जाएगा, तो 0.1 इसकी भुजा दे रखी है, 0.1 का स्क्वेयर कर देंगे तो A की जो वैल्यू है वो 0.01 मीटर स्क्वेयर हमें प्राप्त हो जाएगी। चलिए यहाँ पर n का जो मान है वह है 20, i का मान है वह है 12, a का जो मान है वह है 0.01 sin 30 डिग्री, इसका मान है 1/2। तो यहाँ से 20 गुणा 12 गुणा 0.01 गुणा 1/2, तो ये हमारे पास में देखिए 2 का भाग लगाएंगे तो इसमें ये 10 आ जाएगा और 10 को यहाँ से गुणा करेंगे तो 0.1, तो फाइनली इसमें 1.2 न्यूटन इंटू मीटर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर? ये हमें प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये हमने B छोड़ दिया था यहाँ पर, तो B की वैल्यू भी यहाँ पर हमारे को पुट करनी होगी, 0.0 पॉइंट यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, 0.80। तो देखिए जो आंसर है उसमें हमें 0.80 और करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो 1.2 को जब आप 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.96 न्यूटन इंटू मीटर हमें मिल जाएगा। क्लियर?